हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जेनेटिक्स पार्ट 1 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को 150+ क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन, मोनोक्रॉस हाइब्रिड का फेनोटाइपिक अनुपात है। तो मोनोक्रॉस हाइब्रिड का फेनोटाइपिक अनुपात कितना है? तो मोनो हाइब्रिड का फेनोटाइपिक अनुपात 3:1 है। देखते हैं दूसरा प्रश्न, GATT समझौता कब लागू हुआ था? दोस्तों, GATT समझौता 1948 ईस्वी में लागू हुआ था। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत में बीज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में बीज अधिनियम 1969 ईस्वी में लागू हुआ था। दोस्तों, भारत में बीज अधिनियम 1969 ईस्वी में लागू हुआ। लाइसोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, लाइसोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डूवे के द्वारा किया गया था और 1955 ईस्वी में किया गया था। लाइसोसोम शब्द का प्रयोग 1955 ईस्वी में डूवे के द्वारा किया गया था। देखते हैं पांचवा प्रश्न, जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एलील कहा जाता है। जीन के वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। देखते हैं छठा प्रश्न, अपने माता पिता में किसी एक के साथ F1 का क्रॉसिंग कहलाता है। अपने माता पिता में किसी एक के साथ F1 का क्रॉसिंग बैक क्रॉस कहलाता है। दोस्तों, बैक क्रॉस, अपने माता पिता में किसी एक के साथ F1 का क्रॉसिंग बैक क्रॉस कहलाता है। देखते हैं सातवां प्रश्न, अर्धसूत्री विभाजन के एक चक्र में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन के एक चक्र में 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन के एक चक्र में 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। दोस्तों, देखते हैं आठवां प्रश्न, आनुवांशिक संसाधन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आनुवांशिक संसाधन शब्द फ्रैंकल के द्वारा गढ़ा गया शब्द है। आनुवांशिक संसाधन फ्रैंकल के द्वारा गढ़ा गया शब्द है। दोस्तों, देखते हैं नवा प्रश्न, पादप ऊतक संवर्धन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पादप ऊतक संवर्धन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? दोस्तों, जी हेबर लैंडस के द्वारा की गई। दोस्तों, ये जर्मन के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1808 ईस्वी में पादप ऊतक संवर्धन की शुरुआत की थी। दोस्तों, देखते हैं दसवां प्रश्न, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो दोस्तों, आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। देखते हैं ग्यारहवां क्वेश्चन, जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक गैरोड जी हैं। आनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं और जैव रासायनिक आनुवांशिकी के जनक गैरोड जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखते हैं बारहवां क्वेश्चन, फूल को खुलने से पहले होने वाले परागण और निषेचन को क्या कहते हैं? फूल को खुलने से पहले होने वाले परागण और निषेचन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। दोस्तों, फूल को खुलने से पहले होने वाले परागण और निषेचन को क्लिस्टोगैमी कहते हैं। देखते हैं तेरहवां प्रश्न, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? तो केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी में। दोस्तों, देखते हैं चौदहवां प्रश्न, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंद्रहवां क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक शब्द किसके द्वारा किसने दिया था? तो जेनेटिक शब्द बैटसन ने दिया है। दोस्तों, जेनेटिक शब्द बैटसन के द्वारा दिया गया शब्द है। देखते हैं सोलहवां क्वेश्चन, सहसंबंध का आनुवांशिक आधार होता है। सहसंबंध का आनुवांशिक आधार क्या होता है? लिंकेज एवं पेलियोट्राफी सहसंबंध का आनुवांशिक आधार होता है। देखते हैं सत्रहवां क्वेश्चन, फूलों में सुंदर रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो फूलों में सुंदर रंग एंथोसाइनिन की उपस्थिति से होता है। दोस्तों, फूलों में सुंदर रंग एंथोसाइनिन की उपस्थिति से होता है। दोस्तों, थोड़ा धीमा हो गया है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखते हैं अठारहवां क्वेश्चन, एक पादप कोष में प्रोटीन संश्लेषण की जगह होती है। तो दोस्तों, एक पादप कोष में प्रोटीन संश्लेषण की जगह कहाँ होती है? राइबोसोम में होती है। दोस्तों, एक पादप कोष में प्रोटीन संश्लेषण की जगह राइबोसोम में होती है। देखते हैं उन्नीसवां प्रश्न,
जीन का पृथक्करण होता है। तो जीन का पृथक्करण कब होता है दोस्तों? पीढ़ी के गैमेट बनने में, जीन का पृथक्करण पीढ़ी के गैमेट बनने में होता है। 20वां प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। दोस्तों प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय डॉक्टर खुराना को प्राप्त है। प्रयोगशाला में जीन के निर्माण का श्रेय डॉक्टर खुराना को प्राप्त है। दोस्तों एक 21वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, वर्तमान में ICAR के डीजी कौन है? दोस्तों वर्तमान में ICAR के डीजी कौन है? ऑप्शन है ए डॉक्टर बीपी पाल, ऑप्शन बी डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी मेंडल। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन करें। जय हिंद।